Good morning, children. So, in the lesson, can you see the pattern? This is next part. So, open your book and uh, go to page number 103. Page number 103, that is. So, there is a topic look for a pattern. Okay, so what do you have to do there? Let's see. Yes, mark that picture which is breaking the rule. Breaking the rule. You know, the rule follows. आपने रूल लिखा था ना कल वन फोर टर्न हाफ अ टर्न थ्री फोर टर्न ठीक है वही रूल यहाँ पे चेक करने हैं और जो फॉलो नहीं कर रहा है उसको मार्क करना है एंड ऑल्सो करेक्ट इट और नीचे उसको करेक्ट करके भी ड्रॉ करना है सो लेट्स सी हियर यू कैन सी द डिज़ाइन हियर देख रहे हो यहाँ पे ये सिंपली आप कैच कैसे कर सकते हो देखो डॉट यहाँ पे ठीक है ऊपर है ये नीचे है फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर, फिर, फिर नीचे होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए ना ये नीचे नहीं है ना इट मीन्स दिस वन इज ब्रेकिंग द रूल ओके यहाँ पे कौन सा रूल है हाफ अ टर्न है सो लेट्स मार्क दैट यस यू विल मार्क दैट वन दिस इज गोइंग टू ब्रेक द रूल आपने यहाँ इसको टिक कर दिया ना ठीक है हाफ अ टर्न रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं और आपने यहाँ पे करेक्ट वाला बना दिया द करेक्ट रूल इज सोन इन द पिक्चर बिलो देखो आपने यहाँ पे इसको करेक्ट कर दिया ओके सो इन दिस वे यू विल डू ऑल दैट नेक्स्ट नंबर बी यस यू कैन सी हियर फर्स्ट लेट्स चेक विच रूल इज देयर यस देखो ये है अम्ब्रेला ठीक है ये हो गया आपका इन दिस डायरेक्शन देन नेक्स्ट दिस डायरेक्शन इट इज़ वन फोर्थ टर्न जब भी आपको ऐसे फिर ये फिर ये फिर ये, फिर ये ऐसे मिल रहा है इट इटम इट इज़ वन फोर्थ और नाइन्टी डिग्री टर्न यू कैन से तो दिस इज नाइन्टी डिग्री टर्न अगेन नाइन्टी डिग्री नेक्स्ट नाइन्टी डिग्री टर्न नेक्स्ट नाइन्टी डिग्री अगेन नाइन्टी डिग्री ठीक है अब इसके बाद ये आना चाहिए था ये नीचे आना चाहिए था ना इसको लेकिन क्या ये उल्टा है देखो ये अम्ब्रेला क्या होना चाहिए ऐसे नीचे होना चाहिए था इट मीन दिस वन इज गोइंग टू ब्रेक द रूल दिस अम्ब्रेला इज ब्रेकिंग द रूल ठीक है सो यू विल मेक अ टिक देयर एंड यू विल करेक्ट द पैटर्न सो है जो आंसर येस येस दिस अम्ब्रेला इज गोइंग टू ब्रेक द रूल देखो ये ऐसे होना चाहिए ठीक है ये ऐसा होना चाहिए था है ना ये वाला क्या है ये गलत है यू विल मेक अ टिक टिकयर ओके एंड देन यू विल करेक्ट रूल एंड यू विल ड्रॉ द करेक्ट वन हेयर ठीक है यस नेक्स्ट नंबर सी ले सी ये यू कैन सी ए पैटर्न यू कैन सी यहाँ आपको हल्का सा हल्का सा प्रॉब्लम हो सकता है देखो ये सारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों के जो फेस है ना डायरेक्शन सबका क्या है ऊपर ही है लेकिन आगे देखो ये देखो ये, देखो, ये आपका देखो फेस क्या है ऊपर है फेस नीचे ऊपर नीचे इट मीन्स अगेन हाफ अ टर्न कौन सा रूल है इसमें हाफ अ टर्न रूल है और कौन इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है देखो ये ऊपर है ना इसका फेस क्या है ऊपर है तो इसका नीचे होना चाहिए था इट मीनस ये वाला जो है रूल फॉलो नहीं कर रहा अगर इसका फेस नीचे होता फिर इसका ऊपर हो गया अप डाउन अप डाउन है ना लेकिन ये जो है इस रूल को ब्रेक कर रहा है सो यू हैव टू मेक अ टिक देयर लाइक दिस एंड यू विल करेक्ट द पैटर्न एस सोन बिलो है ना आपने इसको मार्क कर दिया क्योंकि ये इसको रूल को ब्रेक कर रहा है आपको इसको नीचे होना चाहिए देखो यहाँ पे नीचे होना चाहिए ना ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन, अप, डाउन और यू कैन से हाफ अ टर्न रूल इज देयर है ना नेक्स्ट नंबर डी यस हियर यू कैन सी ब्यूटीफुल डिजाइंस देखो यहाँ पे सिंपल देयर इज सिक्वेंस देखो ये क्या है फर्स्ट ये थर्ड ये फिफ्थ एंड ये सेवेंथ ये सारे सेम है यू कैन सी दे आर सेम कोई चेंज नहीं है बट ये जो सेकेंड पे है सेकेंड देखो और ये फोर्थ वाला देखो और ये सिक्स वाला देखो यहाँ देखो ट्राइंगल है यहाँ भी ट्राइंगल है यहाँ भी ट्राइंगल सेम ठीक है देखो यहाँ पे ना ये सर्कल है यहाँ पे भी, भी सर्कल है लेकिन यहाँ पे क्या है सर्कल नहीं है इट मीन्स ये डिफरेंट है ये बिल्कुल डिफरेंट है है ना ये बिल्कुल क्या है इन तीनों में से दिस वन इज़ डिफरेंट क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स आ गया है बॉक्स नहीं यहाँ पे सर्कल चाहिए यहाँ पे सर्कल है तो यहाँ पे भी सर्कल चाहिए है ना इट मीन्स दिस इज़ डिफरेंट एंड दिस इज गोइंग टू ब्रेक द पैटर्न ठीक है सो द करेक्ट आंसर इज़ यू विल मेक अ टिक देयर जो भी गलती कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए ना येस यू विल मेक अ टिक देयर एंड यू विल डू इट करेक्ट इसको आप करेक्ट कर लोगे देन दिस इक्वेंस इज दिस पैटर्न इज Now it's okay. Okay, done. Next uh, number, next topic is there magic squares. So you will uh, solve magic squares here. So, two things are there. You will have a square with nine boxes. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine boxes will be there. And there will be a rule. There will be a rule. Rule is written there. So, let's solve the first one. Yes. सो फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर फ्रॉम फोर्टी सिक्स टू फिफ्टी फोर फोर्टी सिक्स टू फिफ्टी फ़ोर तो फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट सॉरी फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फ़ोर ठीक है टोटल कितने नंबर नंबर है फाइव नंबर्स है सॉरी नाइन नंबर्स है ना और नाइन बॉक्सेज भी हैं इट मीन्स इन ईच बॉक्स यू विल फील वन नंबर ओके कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए सॉरी कोई भी नंबर क्या रिपीट नहीं होना चाहिए एंड नेक्स्ट द टोटल ऑफ ईच लाइन ईच लाइन इज 150 है ना कोई भी लाइन ले लो ये ए लाइन ये लाइन इन ईच लाइन हाउ मेनी नंबर्स आर देयर यस थ्री नंबर्स आर देयर तो यहाँ से भी कर लो ठीक है या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो थ्री लाइन्स इन ईच लाइन थ्री बॉक्सेज दे आर देयर एवरी टाइम सम कितना होना चाहिए टोटल विल बी 150. फिफ्टी दिस इज द रूल ऐसे भी आपको 150 आना चाहिए ऐसे भी 150 आना चाहिए सो हाउ टू डू दैट फर्स्ट द सिंपलेस्ट थिंग इज दैट आपको पता है कि नंबर फोर्टी सिक्स से फोर्टी सिक्स और फिफ्टी फोर के बीच में होना चाहिए है ना तो सबसे पहले आप इजी कौन सा है ये यू विल फील दिस लाइन इस लाइन में क्या है दो नंबर्स हमें पहले से पता है तो थर्ड नंबर कैसे निकालेंगे थर्ड नंबर सिंपली आप निकाल लो इन दोनों को प्लस करो फोर्टी नाइन और फोर्टी सेवन को प्लस करो कितना हो जाएगा फोर्टी नाइन प्लस फोर्टी सेवन सॉरी ये नाइन्टी सिक्स हो गया ठीक है फोर्टी नाइन एंड फोर्टी सेवन दैट इज नाइन्टी सिक्स क्लियर है ना अब देखो ये जब दोनों भी ये दोनों मिलाकर नाइन्टी सिक्स हो गया तो आपको टोटल कितना करना है वन फिफ्टी कितना करना है वन फिफ्टी तो नाइन्टी सिक्स में कितना और प्लस करें कि वन फिफ्टी हो जाए नाइन्टी सिक्स है ना तो नाइन्टी सिक्स प्लस फोर हंड्रेड हो गया और प्लस फिफ्टी तो इट 54 फिफ्टी फोर यहाँ होना चाहिए फिफ्टी फोर अगर प्लस कर दे तो ये हंड्रेड वन फिफ्टी हो जाएगा है ना यस इन दिस वे यू कैन फिल दिस लाइन आपने इस लाइन को फिल कर दिया ठीक है अब अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यस yes. यहाँ पे 54 लिख दो अब जो अगला स्टेप आप पकड़ोगे देखो अब इस लाइन को फिल करो ये वाला लाइन क्योंकि इसमें दो नंबर्स मालूम हो गए हैं जिस भी लाइन में जिस भी लाइन में दो नंबर्स मालूम हो चुके हैं उसमें थर्ड नंबर को फाइंड करना बहुत ईजी है वट यू हैव टू डू आप उन दो नंबर्स को प्लस कर दो ठीक है और वन से माइनस कर दो है ना सो लेट्स सी यहाँ आपने फिफ्टी निकाल लिया था ठीक है तो ये फोर्टी सिक्स है और ये फिफ्टी फोर दोनों को प्लस करो फोर्टी सिक्स प्लस फिफ्टी फोर हम इन दो नंबर्स को प्लस कर रहे हैं पहले ये कितना हो गया हंड्रेड वेरी गुड कितना आ रहा है हंड्रेड तो जब ये दो नंबर्स मिलके हंड्रेड हो चुके हैं तो यहाँ क्या होना चाहिए फिफ्टी तभी तो टोटल वन फिफ्टी होगा आपको एवरी टाइम यू हैव टू गेट वन फिफ्टी सो इन दिस वे यू कैन फील एवरी लाइन अब देखो आप कौन सा लाइन फिल करोगे अभी आप ये वाला लाइन नहीं फिल करोगे यू विल फील दिस लाइन यस क्योंकि यहाँ पे क्या है आपको एक और दो नंबर्स मिल चुके हैं सो यू कैन फील दिस थर्ड वन उसके बाद क्या करोगे आप इस लाइन को फिल करोगे फिर इस लाइन को फिल करोगे इन दिस वे इन दिस सिक्वेंस यू विल गेट द आंसर लाइक दिस यस आप चेक कर लेना बहुत ही मजेदार है और यू विल चेक

एंड वाट इज रूल रूल इज द टोटल ऑफ ईच साइड इज सेवेंटी फाइव येस टोटल इज सेवेंटी फाइव दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टोटल कितना होना चाहिए सेवेंटी फाइव सो ही है देखो यू हैव ओनली वन नंबर एक बॉक्स फील है पहले से ना आप सिंपली क्या करो पहले सारे कॉर्नर को फील कर लो सारे कॉर्नर को हम फिल करेंगे सो so, कॉर्नर के लिए क्या करना पड़ेगा इसको बोलते हैं डायगनल ये क्या है ये डायगनल है वन डायगनल एंड टू डायगनल तो पहले हम डायगनल फील कर लेते हैं ट्वेंटी फाइव इज ऑलरेडी देर ना अब कोई भी एक नंबर चूज कर लो एनी नंबर फ्रॉम टू लेस दैट ट्वेंटी थ्री ठीक है ट्वेंटी थ्री ले लिया हमने अब ट्वेंटी थ्री को और ट्वेंटी फाइव को प्लस करो कितना हो गया ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फाइव को प्लस करो कितना हो जाएगा फोर्टी एट कितना हो गया फोर्टी एट अभी फोर्टी एट को हमको कितना बनाना है सेवेंटी फाइव बिकॉज टोटल कितना होना चाहिए सेवेंटी फाइव तो क्या करना पड़ेगा इसको सेवेंटी फाइव से माइनस करो फोर्टी एट को कितना आएगा ट्वेंटी सेवन कितना आएगा ट्वेंटी सेवन तो यू विल राइट ट्वेंटी सेवन ठीक है नंबर्स कोई भी कहीं भी ले सकते हो बट रिपीट नहीं होना चाहिए सो यू कैन सी ये हमारा फर्स्ट लाइन जो है कंप्लीट हो गया ऐसे आप यहाँ भी एक नंबर गेस कर लेना यहाँ भी एक नंबर कोई भी चीज़ चूज कर लेना और ये वाला नंबर आप फाइंड कर लोगे तो आपने इसको भी फाइंड कर लिया उसके बाद आपको ये सब सारे नंबर फाइंड करने हैं तो आप प्लस करके फाइंड कर सकते हो ठीक है आपको प्लस और माइनस करना है ठीक है फाइनली यू विल गेट द पजल लाइक दिस येस यू विल फील द बॉक्स मैजिक स्क्वायर लाइक दिस आप कोई भी सम कर लो ना एवरी टाइम द सम इज सेवेंटी फाइव द सम इज सेवेंटी फाइव इज सेवेंटी फाइव तो दिस इज अबाउट मैजिक स्क्वायर आप इसको घर पे करना और इन्जॉय करना बहुत ही मज़ेदार है ठीक है कोई आप इसमें ज़्यादा इसमें मेंटली वर्क ज़्यादा वो अच्छा होगा ठीक है मेंटली करोगे अच्छा लगेगा आप ठीक है ज़्यादा इसमें प्लस माइनस लिख नहीं करना आप बड़े हो गए बच्चे हो गए ना अभी तो आप फिफ्थ क्लास में हो आप मेंटली इसको कर सकते हो नेक्स्ट सी वन मोर थिंग मैजिक हेक्सागन हेक्सागन यू नो और हेक्सागन हैच फोर साइड सिक्स साइड्स ना यस हेक्सागन लाइक दिस आपने हेक्सागन देखा होगा ऐसे सिक्स साइड होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स साइड्स आर देयर सो यू कैन सी हियर यहाँ भी कितने साइड है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स हेक्सागन है ना यस सो वॉट इज देअर लेट सी लुक एट दैटर्न ऑफ नंबर्स इन हेक्सागन ईच साइड हैज टू सर्कल्स एंड वन बॉक्स मैंने बोला ना ये क्या है साइड है ठीक है आप कोई भी साइड ले लो देखो ये साइड में इसमें भी क्या है दो सर्कल हैं टू सर्कल्स आर देयर एंड वन बॉक्स वन स्क्वायर इज देयर क्लियर नेक्स्ट इज यू गेट द नंबर इन ईच बॉक्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स इन द सर्कल नेक्स्ट टू एट है ना इसका यहाँ रूल क्या है रूल इज दैट ये जो बॉक्स में है ना ये स्क्वायर वाला नंबर कैसे आ रहा है स्क्वायर में नंबर कैसे आ रहा है सर्कल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने पर लेस सी देखो यहाँ पे सिक्सटी फाइव है सिक्सटी फाइव कैसे मिला ये जो साइड में सर्कल्स है ना इनके नंबर्स को देखो मल्टीप्लाई किया गया है है ना यहाँ से फाइव को यहाँ से थर्टीन को मल्टीप्लाई किया थर्टीन फाइव जाए सिक्सटी फाइव दिस इज द रूल सो फाइनली सेवेंटी सेवेंटी का ये देखो सेवेंटी है सेवनटी कैसे मिला फोर्टीन और फाइव को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर सेवेंटी कैसे मिला सेवन और टेन को मल्टीप्लाई करने से सो द रूल इज हियर द नंबर इन द इन द स्क्वायर इन द बॉक्स यू विल गेट बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स इन द सर्कल्स ठीक है आपको ये रूल फॉलो करना है ठीक है सो आप ये रूल समझ गए ना नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन येस अब आप उस रूल को यहाँ पे फॉलो करना है यूज द सेम रूल टू फिल द हेक्सागंस बिलो सो फर्स्ट लेट्स सी कैसे करोगे आप uh, क्या करोगे पहले इलेवन और नाइन है ना ये दोनों क्या है दो सर्कल्स में नंबर अवेलेबल है ना तो आप नाइन इलेवन को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा यहाँ ना? पे नाइन्टी नाइन हो जाएगा है ना मल्टीप्लाई करने पे फिर इलेवन और सिक्स को मल्टीप्लाई करो यहाँ क्या हो जाएगा सिक्सटी सिक्स हो जाएगा फिर आप सेवनटीन और सिक्स को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे वन जीरो टू हो जाएगा नेक्स्ट मल्टीप्लाई सेवनटीन एंड सेवन यहाँ पर आपको मिल जाएगा नंबर फिर क्या करोगे आप ये वाला कैसे मिलेगा यहाँ पे कैसे मिलेगा ये तो प्रॉब्लम हो गई ना यहाँ कैसे मिलेगा नंबर देखो सिंपल सी बात है जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें कोई नंबर मिलता है ना तो अगर आपको दो नंबर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर मान लो वन जीरो एट मिला हुआ है है ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज वन ज़ीरो एट तो आपको अगर एक नंबर नाइन पता है तो सेकेंड नंबर कैसे मालूम पड़ेगा येस यू विल डिवाइड दिस वन आप वन को डिवाइड करोगे किससे से नाइन से ठीक है आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा बॉक्स वाला सो लेट्स सी द आंसर यस दिस इज द आंसर आप 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 अपने खुद से सॉल्व कर लेना फिर आप यहाँ से इसको मैच कर लेना ठीक है वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट ठीक है देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए वन जीरो एट आया ना ठीक है और वन जीरो एट कैसे आया नाइन और ट्वेल्व को मल्टीप्लाई करने पर लेकिन ट्वेल्व यहाँ कैसे आया ट्वेल्व कैसे आया वन जीरो एट को आप नाइन से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट ट्वेल्व नेक्स्ट द सेम वे आपको यहाँ पे देखो इन दिस सिक्वेंस पैटर्न ये देखो ये आपका साइड है फर्स्ट साइड इन दिस साइड यू कैन सी द नंबर इन सर्कल इज एट एंड इस सर्कल का नंबर गायब है बट बॉक्स का नंबर मालूम है हम क्या करेंगे बॉक्स वाले नंबर को डिवाइड इसको नंबर को डिवाइड करो है ना वन जीरो फोर को डिवाइड करो वन जीरो फोर को डिवाइड करो किस से एट से एट से डिवाइड करो इसको ठीक है देन यू विल गेट द नंबर इन दिस सर्कल बिकॉज द प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट इज देयर ना जब प्रोडक्ट हमारे पास है यू कैन गेट द देयर

बीच में इक्वल टू लगा देंगे इसका मतलब बोथ साइड्स आर इक्वल एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड एंड आर एच एस राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल हाउ इज इट लेट्स सी जैसे आप लिखते हो ना टू प्लस थ्री फाइव होता है कि नहीं और अगर आप अगर थ्री प्लस टू लिख दो ये भी तो फाइव होगा इट मीन्स टू प्लस थ्री एंड थ्री प्लस टू बोथ आर इक्वल ओके इन दिस सेम वे यू कैन से फाइव इंटू टू एंड इज इक्वल टू टू इंटू फाइव बोथ आर सेम और नॉट बिकॉज फाइव इंटू टू इज़ टेन एंड टू इंटू फाइव इज टेन और यू कैन चेक इट बाई वॉचिंग द नंबर ऑल्सो सो लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट वन यू कैन सी हेयर लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे नंबर्स हैं बहुत सारे और राइट हैंड साइड में ये बहुत सारे नंबर्स हैं ठीक है यहाँ पर आप ऑपरेशन कौन सा है प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस आप ये तो सारे को प्लस करके चेक कर लो ये सारे नंबर्स को प्लस कर लो ठीक है जितना आ रहा है और इन सारे नंबर्स को प्लस कर लो दोनों में सेम आना चाहिए न यस yes. और एक और रूल है एक और ट्रिक क्या है देखो यहाँ ट्वेंटी फोर है ठीक है ट्वेंटी फोर यहाँ भी है यस नाइनटीन यहाँ है नाइन्टीन यहाँ भी है थर्टी सेवन यहाँ है थर्टी सेवन यहाँ भी एट मीन्स बोथ आर इक्वल आप ऐसे भी चेक कर सकते हो ठीक है नंबर आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं बट जि, जितने नंबर लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने राइट हैंड साइड में होने चाहिए तभी इक्वल होगा लाइक ये यह देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है थ्री नंबर्स वन टू थ्री राइट right साइड में क्या है वन टू थ्री नाउ लेट्स चेक द नंबर्स आर सेम और नॉट टू फिफ्टीन यहाँ भी है टू फिफ्टीन यहाँ भी है वन ट्वेंटी यहाँ भी है वन ट्वेंटी यहाँ भी है सिक्स हंड्रेड यहाँ भी है सिक्स हंड्रेड यहाँ भी है तो प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं है जस्ट चेक द नंबर्स ठीक है कि दोनों साइड में सेम नंबर्स है कि नहीं है है ना पैटर्न सिक्वेंस मे बी चेंज दोनों अलग हो सकता है लेकिन नंबर सेम होने चाहिए सो यू कैन सी

थ्री लेकिन बीच में क्या लगा हुआ है इक्वल टू इक्वल कब होगा जब दोनों तरफ सेम नंबर होंगे सी फोरटीन इज देयर फोर्टीन इज यहाँ भी है अब यहाँ पे थर्टी फोर है यहाँ पे क्या हो थर्टी फोर होना चाहिए ना या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा एंड ट्वेंटी यहाँ भी है ट्वेंटी यहाँ भी होना चाहिए कहीं पे एक जगह पे सो आंसर इज यस दिस इज़ करेक्ट और चेक इट फोर्टीन लेफ्ट हैंड साइड में भी है फोरटीन राइट right में भी है थर्टी फोर लेफ्ट में भी है थर्टी फोर राइट में भी है ट्वेंटी लेफ्ट में भी है ट्वेंटी राइट right में भी है है ना सो दिस इज करेक्ट नेक्स्ट नंबर बी सी अगेन हाउ मेनी नंबर आर देयर वन देखो यहाँ खाली है तो नंबर तो मानेंगे ना वन टू एंड थ्री थ्री नंबर आर देयर यहाँ भी देखो वन टू एंड थ्री नंबर आर देयर अब आपको दोनों बैलेंस करना है मतलब इक्वल करना है सी सिक्सटी फाइव इज देयर ना यहाँ पे सिक्सटी फाइव होना चाहिए या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा ओके नेक्स्ट फोर यहाँ पे देखो एटी है एटी यहाँ भी होना चाहिए हो okay? गया अब देखो यहाँ पे 65 है यहाँ पे 65 फाइव यहाँ भी 80 यहाँ भी 80 ये यह 42 टू यहाँ पे तो यहाँ पर भी तो 42 होना चाहिए नाउ बोथ आर इक्वल बोथ साइड्स आर इक्वल दिस इज द पैटर्न सो आंसर इज यस लाइक दिस चेक इट एटीन लेफ्ट साइड एटीन राइट साइड ऑल्सो फोर्टी टू इन लेफ्ट साइड फोर्टी टू इन राइट साइड ऑल्सो सिक्सटी फाइव इन लेफ्ट साइड सिक्सटी फाइव इन राइट साइड ऑल्सो यू डोंट नीड टू एड आपको ऐड करके जरूरत नहीं है प्लस करके देखने की है जस्ट सी द पैटर्न सिक्वेंस इन द सेम यू कैन सी द नेक्स्ट वन ये अगेन थ्री नंबर आते हैं टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड एंड थर्ड इज मिसिंग यहाँ देखो वन इज फर्स्ट इज मिसिंग सेकेंड इज फोर हंड्रेड थर्ड इज मिसिंग सो फोर हंड्रेड इज अवेलेबल देयर है ना लेकिन यहाँ पे क्या है फोर हंड्रेड है क्या नहीं है इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए फोर हंड्रेड होना चाहिए एंड टू हंड्रेड यहाँ पे मिसिंग है एंड थ्री हंड्रेड यहाँ पे मिसिंग है सो द आंसर इज लाइक दिस येस लेफ्ट हैंड साइड में नंबर देख लो राइट right साइड में नंबर देख लो सेम ना टू हंड्रेड

चेक इफ इट इज ट्रू और नॉट येस इट इज ट्रू इट इज ट्रू यू लाइट यर ट्रू सो दीज आर दैटर्न क्वेश्चन क्वेश्चन रिलेटेड टू पैटर्न नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देय विल डू दिस बाई योर सेल्फ ठीक है इसको आप खुद से करना ठीक है एंड दिस वॉज फॉर टूडे इन राजू यू लुक सॉरी कैन यू सी द पैटर्न लेसन ठीक है अच्छे से आप इसको बुक में फिल कर लेना और जो कॉपी में करने वाला है उसको आप अच्छे से कॉपी में कर लेना इन गुड हैंड राइटिंग ओके सो थैंक यू टेक केयर